जिनको कॉलेज में जाना है उनके तो भाई चिल है, असाइनमेंट्स के इतना चक्कर नहीं है, पढ़ाई का इतना चक्कर में नहीं है। पे रेट का कोई कंपटीशन नहीं कनाडा वाला इधर से, क्योंकि पे रेट बहुत ज्यादा है। तो कैसे हो आप सब, आ गया हूँ मैं आज एक नई वीडियो के साथ। तो मैंने जैसे कि आपको पता ही है इंस्टाग्राम पे पोल डाला था कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस कनाडा वाली वीडियो आने वाली है, तो आज हमारे साथ है एनएसजे व्लॉग्स। आपको पता ही होगा, देखा ही होगा, जो जो कनाडा जा रहा है जरूर देखा होगा। मेरे को तो दो ढाई साल पहले आई थिंक एक रिकमेंडेशन में, मैं उस तब से लेकर टच में हूँ। तो एनएसजे भाई वेलकम टू अवर चैनल। और कैसा चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में? बस अभी तो हमारे इधर क्वींसलैंड साइड में तो अभी फ्लड आया हुआ है, तो बाकी सब ठीक है। थोड़ी गर्मी है इधर, चल रहा है, अच्छा चल रहा। आपके गर्मी है, हमारे -20 है यहाँ पे, वही चक्कर है। आज करेंगे पूरी बात डिटेल में कि क्या सीन है, कैसे वेदर, सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। तो करते हैं शुरू फिर वीडियो। और जिसने एनएसजे भाई का चैनल नहीं देखा, जाओ सब्सक्राइब करो, 100 के हो चुके हैं भाई के भी। भाई का सिल्वर प्ले बटन कहाँ पे है? मेरे पास दो है, एक मैंने अपनी फैमिली के लिए मंगवाया था। अच्छा, दो मंगवाए थे? मैंने दो मंगवाए, जो सेकंड वाला होता है उसका हमें पे करना पड़ता है। चलो करते हैं फिर वीडियो शुरू। तो पहली चीज है भाई रिक्वायरमेंट्स। तो स्टडी में हम मेनली बात करेंगे स्टूडेंट वीजा के बारे में, जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में, पीआर का क्या सीन है, मतलब सारी चीजें ए टू जेड, जितनी भी आपको डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर होंगे हमारे इस वीडियो को देख के। तो पहली चीज हम देखेंगे रिक्वायरमेंट स्टडी वीजा। तो कनाडा वाली तो आपको पता ही, ऑलमोस्ट मेरे चैनल पे आपने देख ही ली होंगी, बट ऑस्ट्रेलिया की क्या रिक्वायरमेंट्स है और आप बताएंगे अब एनएसजी भाई सारे कैसे क्या रिक्वायरमेंट है? सेम ऑस्ट्रेलिया की कनाडा वाली है, सेम आईएलटीएस वगैरह भी आपको देना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन सेम है, सारा कुछ वैसा ही है। लेकिन बस इसमें एक फर्क होता है कि जैसे कनाडा की जो फाइल लगती है उसमें हम लोग को पासपोर्ट भेजना पड़ता है, उस पर ऑस्ट्रेलिया का इलेक्ट्रॉनिक वीजा होता है, आपका 30 सेकंड में भी आ सकते हैं जब आप अप्लाई करते हो, कई लोगों का 2-2 मिनट में भी आता है, कई लोगों का 6-6 महीने भी लगते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलिया में आपको फंड्स शो करने पड़ते हैं, इधर जीआईसी नहीं भरनी पड़ती, जैसे कनाडा में जीआईसी होती है, इधर फंड्स होते हैं। तो फंड्स डिपेंड करते हैं आपकी स्टडी और लिविंग एक्सपेंसेस के हिसाब से। तो मेरे से $34,000 शो करवाए थे, 17-18 लाख हम लोगों ने शो करवाए थे, तो इतने शो होने पड़ते हैं, बाकी सेम पूरा ऑस्ट्रेलिया कनाडा का सेम या आईएलटीएस वगैरह का जो भी है। तो मतलब फंड्स का ऐसा है कि जिसकी एजुकेशन महंगी होगी उसके उतने ही ज्यादा फंड्स होने पड़ेंगे। तो फंड्स का क्राइटेरिया क्या है कि एक साल की फीस और लिविंग एक्सपेंसेस, लिविंग एक्सपेंसेस और बाकी आपका कितना वीजा है, कितनी आपकी कोर्स की फीस है, उस हिसाब से होता है। कोर्स वाला आपका ऐसा होता है, जैसे मैंने एजुकेशन लोन लिया था तो मेरे को फंड्स वगैरह उतने नहीं शो करवाने पड़े जितने होते हैं, मेरे को 3 लाख के समथिंग शो करवाने पड़े कि एक साल का इतना खर्चा आता है लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह मिला के। तो मेरे को स्टडी का मेरा कोई नहीं था, बाकी जब आप जो भी बंदा आता है उसको 34,000 शो तो करवाने ही पड़ते हैं, $34,000 अपने बैंक अकाउंट में, तो वो 3 से 6 महीने पुराने होने चाहिए, मतलब 34,000 तो होने ही होने हैं, उससे ऊपर भी जा सकता है, बाकी आपकी फीस पे डिपेंड करता है। ओके, और बाकी मेन आइल्स वगैरह का वही 6 बैंड 6.5 बैंड? हाँ, जैसे इधर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं वो 5.5 बैंड पे भी ले लेती हैं, बहुत सारी हैं, मतलब जो रीजनल में पड़ती हैं। लेकिन मेन होता है कि जैसे आपकी कोई भी डिग्री है जैसे नर्सिंग वगैरह की, उसके लिए 7.5 भी चाहिए तो 7 भी चाहिए। नर्सिंग इधर 7 से नीचे नहीं होती, पहले 6.5 पे हो रही थी, बट अभी इन्होंने 7 कर दिया, और पहले आई टी में 6 पे भी एडमिशन हो जाते थे, अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने वो क्राइटेरिया अप कर दिया, वो 6.5 लेते हैं। और आपके शायद कनाडा में अभी पीटी एक्सेप्ट होती कि नहीं होती मेरे को नहीं पता, बट इधर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पीटी एक्सेप्ट, पीटी थोड़ा इजी है, लोग कहते हैं हमारे यहां पे यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर लेती हैं, हमारे यहां पे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी ऑफर लेटर के लिए, बट वीजा के टाइम पे आईएलटीएस ही चाहिए। लेट्स टेक अ मोमेंट टू टॉक अबाउट आवर टुडेज वीडियो स्पॉन्सर्स। सो टुडेज वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय अनअकैडमी। अगर आप यार यहां पे कॉलेज में आना चाहते हो, यूनिवर्सिटी में आना चाहते हो, यूएस में जाना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते हो, लाइक किसी किसी कॉलेज और अच्छी यूनिवर्सिटीज में रिक्वायरमेंट होती है सैट की, एक एग्जाम होता है, आपने सुना ही होगा, जो अब्रॉड आना चाहते हैं डेफिनेटली उन्होंने सुना होगा। तो इसकी जो सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी वालों की, 6 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन 18,000 रुपीज की होती है, जो कि इस टाइम पे 7,200 की लगी है। एंड द बेस्ट पार्ट इज वो सब्सक्रिप्शन पे अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे जो कि यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा, उससे आपको 20% और ऑफ मिलेगा, और क्या चाहिए राइट। और ये ऑफर 31 मार्च तक ही वैलिड है, तो मेक श्योर जल्दी इस पे एक्ट करना। अगर मैं बात करूँ कोर्स की, तो यार इनके पास सारा कॉन्टेंट जो है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, मतलब कोई भी चीज ऐसे ऐसा नहीं कि ये यहाँ पे ये यहाँ पे, हर चीज आपको स्ट्रक्चर में मिलेगी ताकि आप पूरी प्रिपरेशन को अच्छे से देख पाओ और अच्छे से एनालाइज कर पाओ और नोट रख सको कि हाँ भाई मैंने ये चीज प्रिपेयर कर ली, ये चीज प्रिपेयर कर ली राइट। और जो दूसरी बात ये कि 300 आवर्स का कंटेंट है, मतलब हद से ज्यादा चीजें इसमें बताई गई हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन जो पूरी डिटेल्ड हो, अच्छे से हो, और 20+ मॉक टेस्ट हैं ताकि यार प्रिपरेशन किया टेस्ट तो देना पड़ेगा ना, पता लग रहा है कि लेकिन कैसा आप कर रहे हो। और अगर कोई डाउट होता है या कोई नहीं अच्छा जाता तो इनके जो ट्यूटर्स हैं उनके साथ आप डायरेक्ट बात कर सकते हो, एजुकेटर्स के साथ, और डाउट क्लियरिंग सेशंस में इन्वॉल्व हो सकते हो। उससे होगा क्या कि जो भी आपको डाउट्स होंगे, जो भी
आपको लग रहा होगा कि यार ये चीज में मैं अच्छा नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया, वो आपको बताएंगे और स्ट्रेटेजी बिल्ड करेंगे जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। तो डेफिनेटली चेक करो यार सैट कोर्स, अगर आप ले रहे हो 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन पे ऑफ लगा, अगेन बता रहा हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन में, कोड यूज कर लेना तभी ज्यादा और ऑफ मिलेगा, और इन्जॉय करो। और चलो वीडियो में दोबारा से। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है, जैसे यहाँ पे आपको पता है डिप्लोमा लेके आते हैं मोस्टली 90% लोग 2 साल का, बट वहाँ आई थिंक ज्यादातर लोग डिग्री लेके जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में डिप्लोमा इतनी जल्दी वीजा नहीं मिलते हैं, ठीक है, और मतलब जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, जितने मेरे दोस्त वगैरह रहते हैं कनाडा में, वो थोड़ा चिल होकर पढ़ाई करते हैं, पता नहीं है ऐसा कि या वही चिल होकर ज्यादा करते हैं, बट ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा लेनी देनी करती है इंस्टीट्यूट, क्योंकि इधर अगर कॉलेज में हमारे एडमिशन इंडिया से नहीं होते, हम लोग इधर आके चेंज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, और चेंज करने का भी सीन ऐसा है कि आप 6 महीने से पहले नहीं चेंज कर सकते, आपको 6 महीने यूनिवर्सिटी में लगाने उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं, ये भी एक रूल है। तो और ये भी है कि अगर आप डिग्री में आए हो तो आप डिप्लोमा वगैरह में डायरेक्ट नहीं जा सकते हो, बहुत सारे रिस्क रहते हैं वीजा कैंसिल होने के, तो बहुत सारे लोग को आ भी जाता है लेकिन रिस्क लेना पड़ता है जिनको डिप्लोमा में जाना है, जिनको कॉलेज में जाना है उनके तो भाई चिल है, असाइनमेंट्स के इतना चक्कर नहीं है, पढ़ाई का इतना चक्कर में नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी में आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, मतलब एजुकेशन की क्वालिटी तो बहुत अच्छी है ऑस्ट्रेलिया की। अभी चलो मेरे तो यूट्यूब के थ्रू लिंक्स थे तो मेरे को इंटर्नशिप वगैरह चालू हो गई थी, बाकी जो मेरे साथ और भी लोग थे जो मेरे साथ स्टडी कर रहे थे, जो मैं करके आया रीजनल में, तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको आईटी की जॉब ना मिली, जैसे मैंने आईटी करी सबने आईटी ही करी थी जो भी मेरे साथ वाले थे, तो सबको जॉब मिल गई। ओके, और टोटल एक्सपेंसेस कितने लगते हैं लाइक अगर जाने के लिए, जैसे अब हमारे यहाँ पे ना 18 से 20 लाख लग जाता है अगर 2 साल का डिप्लोमा लेना हो, तो आपका भी उतना ही? यार देखो मैंने एक वीडियो बनाई थी तो अभी मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, बट वैसे बता देता हूँ, जैसे मेरी फीस थी $42,000, तो हम लोग को कई यूनिवर्सिटी ऐसा है कि वो ना देखो पहले सेमेस्टर की जो फीस होती है वो पहले लेती हैं, कुछ होती है जो पूरे साल की लेती हैं, पहले मतलब सेमेस्टर की फीस भरो आपका हो जाता था, अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने कर दिया कि आपको 1 साल की करनी पड़ती है फीस जमा, क्योंकि पहले ऐसा था कि जब स्टूडेंट आते थे वो कोर्स चेंज कर लेते थे, तो अभी यूनिवर्सिटीज को पता चल गया है, तो उनको ये कि अगर 1 साल की फीस ली होगी तो स्टूडेंट इतनी ईजिली चेंज नहीं करेगा, क्योंकि उसकी 6 महीने की फीस जमा और वो रिफंड नहीं होती वो वाली। और बाकी इधर हमारे जो इमिग्रेशन फीस होती है $600 की समथिंग होती है, और आपकी फीस जोड़ दो एक सेमेस्टर की, जैसे मेरी $13,000 थी, तो मतलब ऑलमोस्ट 13-14 लाख की समथिंग पहुंच जाता है काम टिकट वगैरह मिला के, क्योंकि इधर हम लोग को GST नहीं देनी पड़ती। तो आपकी 42,000 में फीस थी वो पूरे 3-4 साल की थी या फिर 1 साल की थी? 2 साल की थी मेरी, मतलब पूरी डिग्री की 42,000। अच्छा, डिग्री सिर्फ 2 साल की है वहाँ पे, तो डिग्री का मतलब कितना लेंथ होती है, ड्यूरेशन ऑफ डिग्री कितना? डिग्री ऐसा है कि अगर आप बैचलर्स करने आते हो ना, बहुत सारी डिग्री 3 साल की भी होती है, ठीक है, लेकिन जो मास्टर्स मेन मास्टर्स है ज्यादातर हमारे इधर वो 2 साल की है, मतलब सारी ही 2 साल की हैं। उसमें यह कि आपके सेमेस्टर वाइज होते हैं, जैसे मेरी जो डिग्री थी वो थी 12 सब्जेक्ट्स की, कुछ आईटी होती है वो 16 सब्जेक्ट्स की होती है, ठीक है, तो हमारे जो थे वो 3 सब्जेक्ट होते थे एक सेमेस्टर में, तो हमारे ऑस्ट्रेलिया में बताओ 3 इनटेक्स होते हैं, फेब जुलाई और नवंबर, तो अगर आपके 12 सब्जेक्ट हैं तो आपका जो नवंबर वाला इनटेक होता है तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मतलब ऑप्शनल है कि अगर आपने लेने उसमें सब्जेक्ट तो आप ले लो, वो इसलिए होता है कि अगर आपने मान लो फेब में स्टार्ट किया, फेब में कुछ सब्जेक्ट्स में फेल हुए, एक में हो गए, और अगर आप जुलाई में फेल हो गए एक सब्जेक्ट में, तो वो 2 सब्जेक्ट आप नवंबर में कर सकते हो, आपको वीजा एक्सटेंड नहीं करवाना पड़ता, और उसमें आप जो आपका अगर आपका स्टडी पीरियड नहीं चल रहा नवंबर से फेब तक का जो फेब इनटेक है 3-4 महीने, उसमें आप आराम से काम कर सकते हो जितना मर्जी। ओके, तो आपने मास्टर्स की थी? मेरी मास्टर्स है। ओके, मास्टर्स 2 साल की, तो बैचलर्स यूजुअली 3 साल की होती है, राइट? ओके, तो आपकी 42,000 2 साल की फीस, ठीक है, तो मतलब अगर एक रफ एस्टिमेट लेना हो बैचलर्स की कितनी फीस होती होगी, 14,000 से 15,000 साल की या ज्यादा? ज्यादा होती है, मैं बताता हूँ, इधर एक सब्जेक्ट जो होता है ना मिनिमम उसकी फीस होती है यूनिवर्सिटी की $3,000, इतनी होनी होनी है एक सब्जेक्ट, ठीक है, और 3 सब्जेक्ट आपको लेने ही होते हैं, 2 भी आप ले सकते हो, मतलब वो अंडरलोड में आता है, आपको एप्लीकेशन वगैरह देनी पड़ती है, बाकी रूल है कि आपको 3 सब्जेक्ट लेने हैं, 9,000 तो आपकी हो जाती है, बट इधर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप देती है, जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था तो मेरे को पहली बार तो तब बहुत कम लोग यूट्यूब कर रहे थे, तो मेरे को पता नहीं था स्कॉलरशिप वगैरह का, तो जिस यूनिवर्सिटी में मैं गया था वो थी रीजनल में, तब हम लोग को 1 साल की $15,000 की स्कॉलरशिप लगती थी, यानी कि आप अपनी जो फीस भर के आए हो, एक आपने फीस भरनी $10,000-12,000 जो भी है, बाकी आपकी सारी फीस फ्री, यानी कि आपको 2 साल की डिग्री में $30,000 की स्कॉलरशिप लगती थी। अच्छा, तो रीजनल का क्या चक्कर होता है लाइक रीजनल और दूसरा? देखो जैसे रीजनल, जैसे बड़े शहर जो है उनमें PR के चांसेस बहुत कम है, जैसे सिडनी, मेलबर्न या ब्रिस्बेन, जो बड़े शहर है, रीजनल यानी कि जो कंट्री साइड हो जाती है आपकी, ठीक है, तो वहाँ पे जैसे उनको डेवलप कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको वीजा वगैरह बहुत जल्दी इजिली मिल जाते हैं, स्टडी वीजा और स्कॉलरशिप बहुत सारी होती है, बस थोड़ी सा इशू ये है कि जो नए बच्चे आते हैं उनको जॉब के लिए इशू होते हैं, बट धीरे धीरे सब सेट हो जाते हैं। ऑलराइट, ठीक है, मेरे को लग गई अब थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो गया कि हाँ भाई क्या सीन है। और मतलब एक चीज मेरे को और पूछनी थी कि जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटीज है राइट, जो काफी ज्यादा नॉन यूनिवर्सिटीज है, उसमें एडमिशन इजिली हो जाता है या कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा? कॉम्पिटिशन का सीन ये है यार, देखो हर एक जगह का सीन ये है कि मलाई मलाई उठाते हैं। अगर उनकी रिक्वायरमेंट, अगर मान लो कोई भी, जैसे हमारे इधर मुनैश है, टॉप की यूनिवर्सिटी है मेलबर्न में, मुनैश यूनिवर्सिटी, अगर मान लो उसकी रिक्वायरमेंट 6.5 बैंड है और उनके पास सीटें 20 है, जो बच्चे 8-8 बैंड वाले अप्लाई कर रहे हैं तो वो लोग उन्हीं को प्रेफर करेंगे ना, जिस बच्चे के 8 बैंड है और 70 के ऊपर है। अगर मान लो उनकी रिक्वायरमेंट ये भी है कि 6.5 बैंड पे ले लेंगे और 60% पे ले लेंगे, बट उनको तो मलाई उठानी है ना ऊपर से। हाँ, तो जो टॉप टॉप वाले बच्चे हैं वही उठाएंगे। स्टडी वाला पार्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया। तो हमारे यहाँ पे भी तो ऑलमोस्ट आपको सारा सीन पता ही होगा कि कनाडा में बाकी वही है कि हर साल लाइक कॉलेजेस यूजुअली 2 साल का डिप्लोमा हमारे ऑफर करते हैं, जो कि सबसे इजीएस्ट पाथ है पीआर वगैरह के लिए राइट। तो हम यहाँ पे 2 साल का प्रोग्राम लेते हैं और उसके बाद ऑलमोस्ट फीस 1 साल की होती है 15,000 से 20,000 के बीच में। देखो अगर आप कॉलेज की बात करते हो, कॉलेज तो हमारे भी बहुत सस्ते हैं, $15,000 में हो जाता है 1 साल का, उधर $7,000 की समथिंग होती है 1 साल की सेमेस्टर की फीस, तो कॉलेज का वही है। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी देखते हो, यूनिवर्सिटी का लेवल तो थोड़ा आपको होता है। हमारा भी यही है, यूनिवर्सिटीज हमारे यहाँ पे काफी कॉस्टली है, वही 25,000-30,000 साल का लग जाता है। लाइक काफी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो होगी, वाटरलू होगी, ये तो काफी मतलब बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होती है। तो पार्ट टाइम जॉब्स का क्या सीन है, मतलब अगर आप ब्रिस्बेन में रहे हो राइट, तो वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स ऑलमोस्ट सारी एरियाज में मिल जाती है या फिर जो मेन सिटीज है? यार सिटीज, जो मेन सिटी है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि सीबीडी है, उधर मेन होता है प्रोफेशनल जॉब्स होती है, बैंक्स वाली होती है, ऑफिस जॉब्स होती है, तो उधर पार्ट टाइम जॉब्स, देखो कोई भी ऐसी बड़ी कंपनी होगी या प्रोफेशनल जॉब्स होगी, वो स्टूडेंट्स को नहीं रेकमेंड करते हैं, क्योंकि वो है कि 20 घंटे आप कर सकते हो, जैसे अभी हमारे ऑस्ट्रेलिया में करते हैं कि आप 40 घंटे कर सकते हो, बट उन लोगों को चाहिए होता है मंडे टू फ्राइडे फुल टाइम बंदा, तो फुल टाइम के लिए चक्कर ये कि हमारी क्लास भी होती है तो हम लोग फुल टाइम कर नहीं सकते, तो सिटी में तो भूल जाओ, लेकिन रेस्टोरेंट्स वगैरह में आप कर सकते हो। बट बाकी बहुत सारी जॉब्स होती हैं कि जैसे पेट्रोल पंप्स होते हैं, सर्वो होते हैं जो, और रेस्टोरेंट्स हो गए, जो हमारे स्टोर्स होते हैं, जैसे आपके उधर वॉलमार्ट वगैरह है, ऐसे हमारे इधर बहुत सारे स्टोर्स हैं, तो आराम से आपको जॉब मिल जाती है। पहले ऐसा सीन था कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था तो हम लोग को ज्यादा पता नहीं था कि किधर किधर अप्लाई कर सकते हैं, तब बहुत कम पे मिलती थी। अगर किसी के पास अगर आप जाते हो, अगर आप कार वॉश पे जा रहे हो, $10-12 ऑफर करते रहे, तो $20 मिनिमम पे मिलती है। जैसे मैं जिस जगह पे जॉब कर रहा हूँ तो मेरी $45 एक घंटे की पे। ओके, फुल टाइम जॉब जॉब कर रहे हो राइट। जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने $13 से स्टार्ट किया था, तो धीरे धीरे आप सीखते हो, आपको फिर एक्सपीरियंस होता बढ़ता जाता था। ओके, तो मतलब पे रेट काफी अच्छा है पार्ट टाइम जॉब का, ये तो मैं कहूँ। पे रेट का कोई कॉम्पिटिशन नहीं कनाडा वाला इधर से, क्योंकि पे रेट बहुत ज्यादा है, बट ये की आपके पास जॉब पक्की होनी चाहिए। और बहुत सारी ऐसे जैसे मान लो देसी ओनर है आपका, तो वो आपको पे कम ही करेगा, चाहे आप वो पे उतना ही करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ पे ऐसा, मैं अगर बताऊँ तो ऑन्टारियो में टोरंटो वाली साइड 14.25 आई बिलीव मिनिमम, और इतना ही देते हैं, लाइक इससे ज्यादा कोई देता नहीं है। जैसे मोस्टली कुछ हो गया 15-16 कर दी स्टार्टिंग के लिए पार्ट टाइम जॉब्स के लिए, फुल टाइम में तो काफी अच्छी पे भी होती है, बट स्टिल $45 पर आवर इज लाइक वे टू मच अगर देखा जाए। डिपेंड करता ना कि जैसे मैंने डिग्री की भी बात है, ऑब्वियसली बैचलर्स मास्टर्स करके ऑब्वियसली $45 जो है वो एक अमाउंट है जो कि बंदा एक्सपेक्ट करेगा ही, कि मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं। जैसे हमारे यहाँ मैं अगर बताऊँ, अगर एक बच्चा एज ए स्टूडेंट रह रहा है, तो स्टूडेंट मतलब 350 से 500 में उसको रूम मिल जाता है, 350-500 पर मंथ, हमारे मंथ के हिसाब से होता है। तो मतलब $1,000 के अंदर अंदर उसके सारे एक्सपेंसेस डन हो जाते हैं। इधर भी सेम सीन है, जैसे जब मैं नया आया था तो मैं एक छोटे रूम में रहता था, सिंगल रूम था, तो उसका रेंट था $140, मतलब 140-150 मान लो आप, तो एक महीने का हो जाता है $600, और $400 में आपका खाना पीना और रेंट, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन का सीन इधर ये है कि आपके पास यूनी का कार्ड होता है तो आपको डिस्काउंट मिलता है 50%, तो वो बहुत सस्ता पड़ जाता है, तो $1,000 में आराम से आपका चल जाता है। पार्ट टाइम में एक्सपेंसेस सेम ही है ऑलमोस्ट, बस ये कि बाद में जाके आपके $150 बाई वीकली था राइट? हाँ जी। ओके ओके ओके, मतलब वही सेम ही हिसाब हो गया, मैंने देखा हुआ आपका रूम, मुझे याद है जब आपने पहला रूम लिया था। और अगर स्टूडेंट लाइफ में हम इनकम देखें तो कितनी इनकम बंदा जनरेट कर सकता है? नॉर्मल जॉब ऑस्ट्रेलिया में आप करते हो 20 घंटे, तो आराम से 350 से लेकर $400 आप कमा सकते हो एक वीक का, 20 घंटे काम करते हैं 20 घंटे, तो मतलब एक्सपेंसेस निकल जाते हैं लाइक 1200, अगर आप 1300 कमा रहे हो तो 1000 आपके एक्सपेंसेस। एक चीज और, अब बच्चे वहाँ पे फीस इकट्ठी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और कैश जॉब्स का है उधर सीन ऐसा कि नहीं? यार देखो करने को कर सकते हैं, बट भैया अभी इस टाइम तो बहुत इजी हो गया, हमारी गवर्नमेंट ने कर दिया कि आप 40 आवर्स काम कर सकते हो, तो अगर आप 40 घंटे एक वीक में काम कर रहे हो तो $800 आपके एक वीक के बनते हैं, और $3,200 हो जाते हैं मंथ के, तो आराम से आपकी फीस निकल जाती है। आपके $1,000 1200 मान लो आप खर्चा है, तो आपके 2000 तो सेव हो रहे हैं ना, और हमारे इधर जो फीस जाती है 4 महीने बाद जाती है, तो $8,000 तो आप आराम से सेव कर सकते हो इजीली, अगर आपकी जो पे है वो $20 है, अगर आपकी ऊपर है 25 है 30 है तो फिर तो बात ही अलग करो। सही बात है, मतलब ठीक है कि और एक चीज मेरे को पूछनी थी, वहाँ पे कैश जॉब्स का सीन है, जैसे कनाडा में भी कैश जॉब्स होती ही है? कैश हर जगह जॉब मिलती है, बट वही है ना कि रेकमेंड नहीं करते हम लोग किसी को कि
अंडर द हुड ही चलता है भाई। हां सेम इधर भी यही हिसाब है। हां हां क्योंकि यार देखो अगर आप कैश पे काम कर रहे हो, चलो पहले ऐसा सीन था कि हम लोग को 20 घंटे मिल रहे थे तो हम लोग को था कि हां यार कैश पे करेंगे तभी हमारा काम चलेगा। अभी तो हम लोग को 40 घंटे मिल रहे हैं और हमारे 40 घंटे मतलब 8 घंटे एवरीडे आपको करना है, 5 दिन काम करोगे तो आपके 40 घंटे होते हैं। और आपके पास 2-3 दिन तो आपकी यूनि भी होगी ना, एक दिन आपको अपने लिए भी चाहिए। मेरे हिसाब से तो अगर आप कैश पे करोगे तो आपको 13-14 डॉलर मिलेंगे, तो आपको ज्यादा घंटे काम करना पड़ेगा भाई। अगर आप TFN पे करोगे और साथ में आपका टैक्स जाता रहेगा तो क्या जरूरत है, आपका सारा लीगल वे में चलता फिर सारा भी। वही चीज है, सही है। मतलब ऑब्वियसली कि अगर आपका 40 घंटे नॉर्मल चल रहा है तो कैश वाला में तो मुश्किल ही है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बचना आपको उससे कम ही है देखा जाए। और टैक्स पे आप काम कर रहे हो तो आपको कोई इशू नहीं है ना, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। सेम 20 आवर्स का आपको रूल है, 20 आवर्स का हमें रूल है, ये बात। हाँ बट ये कि अभी जैसे 40 घंटे हो गया हमारे ऑस्ट्रेलिया में, वीक का आप 40 घंटे कर सकते हो, 20 से बढ़ा दिया उन्होंने हमेशा के लिए, लाइक हमेशा के लिए हो गया ये रूल या फिर कुछ टाइम के लिए? पता नहीं, इन्होंने कोई डेडलाइन तो नहीं दी बट इन्होंने बढ़ा दिया, क्योंकि अभी कोविड था तो लोग थे नहीं तो इन्होंने बढ़ा दिया सारा। ओके नहीं हमारा अभी भी 20 आवर्स पर वीक ही है, लाइक जब तक आप हो। बीच में इन्होंने आई थिंक 3 महीने के लिए किया था जब कोविड था पिछले साल, बट उसके बाद इन्होंने कर दिया कि आपको 20 घंटे ही करना है, लाइक जो मेन 20 घंटे का ही है। तो ये सारी चीजें होगी हमारे स्टूडेंट लाइफ की, हमने एक्सपेंसेस कवर कर लिए, सारी चीजें कवर कर ली। अब मेन बात अगर हम करें वेदर की,